मैं हूँ आरजे लज्जा टॉप फिल्म से और ये म्यूजिक नामा 3.0 वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए स्पेशल सीरीज हम लोग लेके आए हैं और आज मेरे साथ एक लेजेंडरी व्यक्तित्व है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टॉप एफएम। सबसे पहले तो टॉप एफएम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आदाब, और इसी तरह आप मुस्कुराते रहें और अच्छा अच्छा संगीत सुनते रहें। सर बात कन्वर्सेशन शुरू करूं उससे पहले मुझे कि ये आपकी फेवरेट शायरी से ये बात की शुरुआत करनी है। अशोक जी ने बोला है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के साथ बैठी हूँ जो सालों से बुलंदियों पे ठहरे हुए हैं, एआर यानी कि अल्ताफ राजा। सर सबसे पहले बात वहीं से शुरू करती हूँ, ये तुम तो ठहरे पर्दे से, ये जो गाना है आपको अल्ताफ राजा को द अल्ताफ राजा बनाया है, ये गाने के पीछे की कोई स्टोरी आप मुझे सबसे पहले बताओगे? इस गाने के पीछे पूरा स्ट्रगल है मेरी लाइफ का और जुनून जिसे कहते हैं, क्योंकि मुझे शायरी का बेहद तलाश करने का, अच्छी अच्छी गजलें गीत किताबें पढ़ना, मेरे फादर और मदर दोनों कव्वाल हैं, इब्राहिम इकबाल कव्वाल और रानी रूपलता कव्वाल, तो उनसे ही घर के अंदर किताबें इतनी रहती थी, उस घर में भी किताबें सब भरा पड़ा है, घर पूरा लाइब्रेरी है, उसमें अहमद फराज, बशीर बद्र, कतील शिफाई, पता नहीं कितने शायर हैं इसमें, वसीम बरेलवी, अहमद फैज, सभी की किताबें घर में मौजूद रहती थी। कुछ इश्क किया है ना, फैज अहमद फैज मेरा जी, 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 फेवरेट जी, 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 जी। तो डैडी से मुझे शायरी का शौक और इंतखाब सिलेक्शन करने का मुझे शौक लगा, तो ये करते थे हम तो, और कंपोजिशन का भी शौक था तो कंपोजिशन भी बनाते थे, तो ये कंपोजिशन बनी। फिर 1993 में सैटेलाइट चैनल लॉन्च हुआ जी, उसी के अंदर सबसे पहले प्रोग्राम, दो प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, एक अंताक्षरी अनु कपूर जी का और एक सरताज जंगे कव्वाली, तो उसमें मैंने ये गाया था तुम तो ठहरे परदेसी 1993 में, उसमें मेरा सिलेक्शन, कमलेश पांडे जी सिलेक्शन पैनल के वो थे, हेड थे, जो सुभाष गई की जी के फिल्मों में डायलॉग लिखते थे, उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था और मैंने वो गाया था, यही वर्ली पे रविंद्र नाट्य मंदिर में उसकी शूटिंग हुई थी, और तुम तो ठहरे परदेसी पहले मैं उसमें गाया था, उसके अंदर जो नज्म है वो ढूंढना अलग से बात, और अलग अलग शेर उसके अंदर चस्पा करना, एक एक मैच टू मैच, वो एक रात दिन की मेहनत है उसके अंदर, तो वो सब करके मैंने उसमें ज्वाइंट किया था, और फिर वो सब जो डिफरेंट मिडल ईस्ट से और यूरोप से सब जगह वो टेलीकास्ट होता था, तो फरमाइश आती थी तो वो हमेशा टेलीकास्ट करते थे, और इस तरीके से वो मैं महफिलों में गाता था, और अल्टीमेटली 96 में एल्बम हमने रिकॉर्ड किया, तो मैं वो गा गा के मैं थक गया था, तो मैं कुछ अंदर नया अपना अंदर गजलें मैंने सिलेक्ट कर ली थी, तो मेरी माँ ने इसरार किया कि नहीं तुम ये भी डालो इसमें, तुम्हारा फेवरेट आइटम है, लोग उसमें देखते हुए सुने, इसके अंदर म्यूजिक के साथ और अरेंजमेंट के साथ सुनेंगे तो और मजा आएगा, तो ये मेरी माँ की दुआ है, और फिर हमने रिकॉर्ड किया और फिर आप हिस्ट्री आपके सामने। हिस्ट्री बट सर बहुत बार कैसा होता है, मतलब अभी के जो गाने होते हैं ना, मतलब चलते तब बहुत चल जाते हैं, इंस्टाग्राम मिलियंस में रील्स बन जाती है, पर आपके जो गाने हैं ना उसका चार मतलब कुछ और ही है, एवरग्रीन, मतलब मेरी उम्र के, मेरे पापा जी की उम्र के, अभी मेरे बाद की जो जनरेशन है, सभी लोग शादी हो या पार्टी या डांस, ये तुम तो ठहरे परदेसी के अलावा तो मतलब ये तो बचता ही है, ऐसा चाम है ये गाने का। मैंने कहा ना कि अपना कर्म है ऊपर वाले का, माँ बाप की दुआएं हैं, और कोशिश रहती कि अच्छे अल्फाज हों और इम्पैक्ट हो अल्फाजों का, ये नहीं कि बस एल्बम एल्बम का, लोग अब आज तक पंडा समझ ही नहीं पाए कि एल्बम का मतलब क्या होता है, एल्बम का मतलब ये होता है कि आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दीजिए, क्योंकि आप सोलो उसके हीरो है, उसके अंदर कोई ना फिल्म की सिचुएशन है, ना स्टार कास्ट है, ना डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, ना म्यूजिक डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे आप जगजीत सिंह साहब की आप सुनिए वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, कितनी मेहनत की है उन्होंने, तो ये सब जो सोलो, इसलिए मैं हमेशा सोलो एल्बम को प्रीफर करता हूँ रेदर देन फिल्म बॉलीवुड से, क्योंकि सोलो एल्बम एक ऐसा है कि आपको खुद वन मैन शो बना देता है, अब उसमें आप कितना अच्छा बेस्ट देते अपना, ये आप पर डिपेंड करता है,
और मैंने कोशिश की अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की, और आज भी करता हूँ, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं, नए नए अल्फाजों की नई नई शायरी आज भी तलाश करते रहता हूँ, और वो शोज के अंदर लाइव में पढ़ता भी हूँ तो लोग उसका मजा लेते हैं। और कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं जब आपके गाने सुनते हैं ना, तो बीच बीच में जो शायरी या मतलब जो शेराना अंदाज आपका आ जाता है, आपको इतना शौक है आप हर बार कुछ नई शायरी पढ़ते हो, और क्या रीजन है गाने के बीच में शायरी ऐड करने का? नहीं, ऐसा तो हर गाने के बीच में तो आपने जैसा इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अब इसमें शायरी नहीं है, तो जो जो गाना है डिमांड करता है, जैसा पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब ये गाने के अंदर शायरी नहीं है, लेकिन जो गाने के अपना जो इम्पैक्ट करता है, जो इसके अल्फाज एक अलग डायमेंशन पे रहते हैं, जो जिसके अंदर जैसा भी जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, तो उसके अंदर अल्फाज है तो ना तो मजबूरी है कोई, ना तो लाचारी है, बेवफाई तेरी पैदाइशी बीमारी है, जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, ऐसा जो गीत के सिंकिंग के साथ देखना पड़ता है शायरी का। तो आप कई बार खुद शायरियां लिखते हैं? कोशिश करता हूँ, अगर अब तुम तो ठहरे परदेसी के अंदर 4-5 शेर मेरे ही है, जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी आंसुओं की बारिश में, मतला है ज़हीर आलम साहब का जी, फिर गेसुओं को साये में कब हमें सुलाओगे, क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरी आकर, थोड़ी देर रो लोगे और भूल जाओगे, तो ये ना ये सब उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि जो मुखड़े की जो अपना टैग लाइन है ना, उससे मैच अंतरे हो, उसको वो स्टोरी को आगे बढ़ाए, अब उसमें कभी कभी शायर अपने अलग अंदाज में गजल के अंदर अलग अलग टॉपिक पे और शेर कह देते हैं, तो मैं उस टॉपिक को बरकरार रखने के लिए मैं कभी कभी शायरी कर लेता हूँ। और वो शायरी आपके बोलने का अंदाज ही बेहतरीन है सर, एकाधिक शायरी हो जाए। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, ओके तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे, और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे, अपने कांधे से दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। क्या बात सर, आपने ये जब शुरुआत की अपने करियर की, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स पहले से यही माहौल में से यही इंडस्ट्री में है, मतलब कोई एक ऐसा कनेक्शन हुआ होगा ना, एक दिन आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं मुझे भी यही इंडस्ट्री में जाना है, वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस? ऐसा मैंने तो मैंने इतना कितने इंटरव्यू में कहा भी है कि मैं मस्ती आवारा गर्दी करके आ रहा था, तो गीत अपना गीत बहार या कौन सा प्रोग्राम आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था उस वक्त हमारे घर में, उस दौर की बात है ये, आई थिंक 85-86 की बात है, और वो लता जी और मन्ना डे जी का सॉन्ग बज रहा था, और पिक्चराइजेशन था नरगिस दत्त जी और फिरोज खान साहब पे, फिल्म का नाम था रात और दिन, ये मुझे बाद में पता चला, मैं जब वो गाना देखा, दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ, हाँ महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ, दिल की गिरह खोल दो चुप न बैठो कोई गीत गाओ, तो सॉन्ग का मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ कि उसका जो कंपोजिशन, उसका म्यूजिक अरेंजमेंट, लता जी की सिंगिंग, मन्ना डे दा की सिंगिंग और पिक्चराइजेशन, तो वहां मैंने डिसाइड किया था कि मैं कंपोजर बनूंगा, और मैंने ट्रेनिंग भी एज अ कंपोजर ली थी, लेकिन मम्मी के साथ मैं कोरस, एक बार मम्मी की कैसेट में कोरस करा था, तो मम्मी ने मेरी आवाज सुनी, तो मम्मी ने कहा कि तुम सिंगर बनो, बी आ आगेवान नॉट अ पीछेवान, कंपोजर और म्यूजिशियन सब पीछे रहते हैं, सिंगर आगे रहता है, तो बी आगेवान, तो फिर गले का फिर रियाज शुरू किया था। और जो आगेवान से हम लोग बात कर रहे हैं, वो आगेवान को एक बार एक कमेंट मिला था आनंद राज आनंद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने आपको बोला था ना कि पूरे देश में दो AR ऐसे हैं कि जिनका मतलब लाइफ टाइम फैन फॉलोइंग है, एक है AR रहमान एंड दूसरे है अपने अल्ताफ राजा, और एक तीसरी भी है जो मेरा कमेंट है, ऐश्वर्या राय।
हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने ऐश्वर्या राय को नहीं, यही आपकी बात में मैं आगे बोलूंगी बिकॉज मेरा फेवरेट आदित्य रॉय, तो मैं वो भी एआर को ऐड कर दूंगी। जी जी सर, ये बहुत सारे काम किए आपने, बट आपने अभी जस्ट गुजराती एक पिक्चर आया है सोनू तने मारा पर भरोसा नहीं के, भरोसा नहीं के, या सिंग गुजराती। मुझे बहुत ही प्राउड हुआ जब मैंने सुना कि गुजराती कवाली, फर्स्ट एवर गुजराती कवाली, एंड वो भी आपकी आवाज में। हाउ इज योर एक्सपीरियंस, गुजराती इंडस्ट्री में डेब्यू किया है आपने अभी। इसके पहले आपने मेरा गाना ढ में नहीं सुना था, नकी उड़ी उड़न खटोड़ी उड़े? नहीं सर, कवाली में आई थिंक सो फर्स्ट एवर रहा कव्वाली, दिस इज द फर्स्ट। अभी अमर कंदक जी के साथ भी एक गाना। ओके ओके जी जी। तो अपना मैं देखिए, मैं हर सॉन्ग के साथ मोल्ड हो जाता हूँ। कव्वाली तो खैर घर का ही पेशा है, तो मगर जो अपना जो मूड होता है सॉन्ग का, तो मेरी कोशिश रहती कि मैं उसको रिवाइज कर लूँ याद करके प्रॉपर। मैं कंपोजर को कहता हूँ कि आप मुझे 4-5 दिन पहले भेज दीजिए स्क्रैच या कुछ भी, और उसको मैं प्रॉपर तरीके से रात दिन उसको ओढ़ना बिछाना कर लेता हूँ, ताकि स्टूडियो में जाके उसको बिल्कुल वही इम्पैक्ट दे सकूं जो कंपोजर के माइंड के अंदर है। तो मैं याद करके गाता हूं, तो वो कोशिश की मैंने, वो भी हमने याद करके कहा। अहीं बस मुसाफिर तू तारू घर न थी रे, आ संसारी चक्कर के वो खबर न थी रे, सब मोह माया तोरे मन समाया, पर हाथ तेरे कुछ ना आया, किस्मत खड़ी द्वारे बारना तो खोल, दुनिया की गोल रही चाले मोटा जोल, अरे चाले मोटा जोल खाली बोल बचन बोल दुनिया की। तो ऐसा याद करके मैं गाता हूँ, तो याद करके मैं सभी सिंगरों से यही गुजारिश करूंगा कि आप गानों को गाने के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, गाने के मूड को सुर। अब मैं देख के गाऊंगा तो आधा मेरा अपना ध्यान उस पे लिरिक्स पे देखने पे रहेगा, आधा सुर पे रहेगा, आधा उसके अपना इमोशन पे रहेगा, तो उसमें माइंड बढ़ जाता है। एक बार याद कर लिए तो फिर आदमी फिर वो रवानी से गाता है। यस डेफिनेटली। आपने जब ये गुजराती गाना गाया तो उससे पहले कोई गुजराती गाने को सुना था? नहीं, मैं अपना इन्हें ऐसा गुजराती आमतौर पर मैं दोस्तों से और वो सब इससे अपना इन्हें बातें होती रहती है, तो वो सब गुजराती के अल्फाज से मैं अपना एकदम मैंने मानूस था, एकदम मैंने महफूज समझे समझ लिया ना कि हर चीज से मैं यानी उसे वाकिफ था गुजराती अल्फाजों से। लेकिन अपना वो जब गाने की बारी आती तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप उसको रफली कोई भी गा किसी से भी गवा के भेजिए, तो मैं वही टोन के अंदर वो मैं गा दूंगा। हाँ, तो वो फिर रिवाइज करके फिर वही टोन देने की कोशिश करता हूँ अपने अंदाज में। कौन सा गाना आपका फेवरेट है, कोई आप शायद गुनगुनाते हो, शायद सुनते हो? ओढ़नी ओढ़ूनी उड़ी उड़ी जाए। नरेश कनोडिया जी ने ये गाने को परफॉर्म किया था और लेजेंडरी एक्टर थे वो, अभी मतलब हमारे बीच नहीं रहे, बट यस वो गाना इज लाइक जी। और सर ऐसे बहुत सारी मतलब हमने बातें की है, तो मुझे लगता है ये कन्वर्सेशन एंड लेजेंडरी सॉन्ग, ग्रेट सॉन्ग तुम तो ठहरे परदेसी से ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। गम की धूप में दिल की हसरतें नजर जाए, गम की धूप में दिल की हसरतें नजर जाए, गेसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। हाय 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 हाय, ग्रेट एआर अल्फा अल्ताफ राजा जी, थैंक यू फॉर दिस टाइम, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके। इट वाज माय आल्सो प्लेजर टॉकिंग विद यू लज्जा, एंड गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सर। आप तरक्की करें, खूब तरक्की करें, और देखने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब कि आपने इतना वक्त दिया। बस अच्छा संगीत सुनते रहें और जिंदगी में जो भी बनना चाहें बने।